बछबारस पर महिलाओं ने गाय व बछड़े की पूजा कर अपने बच्चों की लंबी उम्र की कामना की। वहीं गोपाल मंदिर पर दही मटकी का आयोजन किया गया। भारत में हिंदू समाज में कई तरह के तीज त्यौहार मनाए जाते हैं, जिनका अपना ही एक महत्व है। कई तीज एवं त्यौहारों पर हिंदू महिलाएं व्रत एवं उपवास कर परिवार की सुख एवं समृद्धि की कामना करती हैं। हिंदू परंपरा का निर्वाह करते हुए शुक्रवार को पूरे भारत में महिलाओं ने बछबारस का पूजन कर महिलाओं ने अपने बच्चों की लंबी उम्र के साथ ही परिवार के सुख समृद्धि की कामना की। हिंदू मान्यता अनुसार बछबारस गोवत्स द्वादशी के दिन महिलाएं अपने बेटे की सलामी लंबी उम्र और परिवार की खुशहाली के लिए यह पर्व मनाती हैं। इस दिन घरों में विशेषकर बाजरे की रोटी, जिसे सोगरा भी कहा जाता है, और अंकुरित अनाज की सब्जी बनाई जाती है। इसी परंपरा का निर्वाह करते हुए शहर में भी महिलाओं ने गाय एवं बछड़े की विधि विधान से पूजा की। महिलाओं ने यहाँ बछबारस की कथा का श्रवण किया। चैनल से चर्चा में महिलाओं ने बताया कि इस दिन गाय एवं बछड़े की पूजा का महत्व है। पूजा करवा अपने बच्चों की लंबी उम्र एवं सुख समृद्धि की कामना करती हैं। केड़े की पूजा की जाती है। आज का यह विधान है कि अपने बच्चों के लिए ये पूजा की जाती है। जैसे गाय अपने बछड़े को दुलार प्यार करती है, उसी तरह मरे हुए बछड़े को उससे जिंदा कर लेती। इसी तरह से आज की माँ है अपने बच्चों के लिए ये पूजा की करते हैं, गाय और बछड़े की पूजा। आज के भोजन में मक्का बाजरा की रोटी खाई जाती है और काटा पीटा नहीं जाता है। आज माँ अपने हाथों से कुछ काटते पीट कर नहीं खाती है और मूंग की दाल नहीं बनती।